इतनी गरीबी आ गई है, चिल्लड़ की कचौड़ी खानी पड़ रही है। रेट बड़ा बड़ा बड़ा। पहले मेरी मम्मी ने मुझे 4 दिन पहले गाजर का हलवा बना के दिया था। और ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह के 10:30 बजे हैं, मेरी घड़ी जो है 15 मिनट आगे है। एक्चुअली ऑफिस तो मैं 9:30 अराउंड चली जाती हूँ, बट आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कहीं का व्लॉग शूट करके आज के आज ही एडिट करके आज ही अपलोड कर दिया जाए, और ठंड का टाइम है तो मैं देखती हूँ, एक दो को कॉल करती हूँ और फिर कहीं ना कहीं जाती हूँ मैं व्लॉग बनाने के लिए। आज 9:15 बच्चों को छोड़ने के बाद एकदम मैं फ्री हो जाती हूँ सुबह, और तो चला जाए। और ये मेरा मैकबुक है, आज कुछ इंटरेस्टिंग और टेस्टी और कुछ खाने पीने का मैं शूट करने वाली हूँ ना। मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो सुबह सबसे पहले मैंने एक ग्लास गर्म पानी शहद के साथ पिया, देन मैंने एक कप चाय विद 1 मूली का पराठा, एंड उसके बाद मैंने अभी फिर वापस गर्म पानी पिया और फिर मैंने गाजर का हलवा खाया। मेरी मम्मी ने मुझे 4 दिन पहले गाजर का हलवा बना के दिया था और मैं खाना ही भूल गई थी। शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है तो बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की मिस हो जाती हैं, और आज थका थका लग रहा था, थोड़ा सा मूड नहीं कर रहा है ऑफ़िस जाने का, बट ऑफ़िस तो मैं ज़रूर जाऊँगी, चाहे वो व्लॉग शूट करने के बाद मैं जाऊँ। जो है मिलते हैं गाड़ी में और देखते हैं कहाँ का व्लॉग हम शूट करेंगे। पहले मैं कॉल कर लेती हूँ कौन फ्री है और मैं किसको लेके जाऊँगी आज मेरे साथ, तो बाय। टैक्सी में अपना जो है तो जाने से पहले मैं एक बार सारी लाइट्स चेक करती हूँ कि कुछ ओपन ना रह जाए। तो मेरी बात हो गई है किसी से और मैं व्लॉग बनाऊंगी एक बहुत ही टेस्टी वाली चीज़ का, और जो कि सर्दियों में खाई जाती है, और खाई तो वो गर्मियों में भी जाती है, बट गर्मियों में खाना इज़ लाइक एक ज़बरदस्ती वाली बात होती है। चलते हैं, देखते हैं वहाँ जाने में मुझे कितनी देर लगेगी। मुझे पहुँचने में वहाँ तक कम से कम 20 मिनट लगेंगे, तो मुझे जाना है कमला नगर मार्केट, और कमला नगर मार्केट में वो चीज़ बहुत बहुत फेमस और बहुत टेस्टी है। बहुत छोटी सी दुकान है बट सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है उसकी शॉप, और मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि मैंने वैसे मीठा मीठा गाजर का हलवा खाया है, तो उसके बाद तीखा तीखा खाना एकदम गर्म धुएं वाला सर्दियों में। तो चलते हैं, मैं फटाफट ड्राइव कर लूं गाड़ी कंसंट्रेशन से। और देवी और सज्जनों, मैं इस टाइम रोड पे हूँ आजादपुर वाले, आजादपुर सब्जी मंडी तो सुना ही होगा सबने, बहुत फेमस है दिल्ली में। आप आते जाते कृपया इस रोड को कम यूज करें, अगर ज़रूरी है तो यूज़ करें, नहीं तो मेरी तरह आप ट्रैफिक में फंस जाएंगे। हमारे पानी, क्योंकि हम खाएंगे यहाँ दिल्ली की बहुत ही फेमस कचौड़ी है। सुबह 6:30 अराउंड ये शॉप खुल जाती है और बहुत भीड़ लगी हुई होती है, और गाड़ी पार्क हम यहाँ कर देते हैं। थोड़ा गाड़ी पार्किंग में तो दिक्कत है बट लगाएंगे हम और गाड़ी पार्किंग। बहुत फेमस कचौड़ी है इनकी, कमला नगर शक्तिनगर में ये दुकान पड़ती है, और 5 कचौड़ी 2200 रुपए की है, और देख लो लिखा है कृपया पैसे पहले दें। ये लहसुन प्याज भी यूज नहीं होता, और झूठे पत्तल ड्रम में डालने हैं। तो अब हम कचौड़ी टेस्ट करते हैं, सफाई का स्पेशल। देखियो कितनी गरीबी आ गई है, चिल्लड़ की कचौड़ी खानी पड़ रही है। गरम गरम है और खाते हुए मुझे वीडियो बनाना सबसे बड़ा काम लगता है, क्योंकि मुझे लगता है मैं खाऊं या वीडियो बनाऊं। कैसी लगी राखी? बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी है। शर्मा जी की कचौड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है कमला नगर में, शक्तिनगर में। अगर आप आओ और पूछो किसी से शर्मा जी कचौड़ी वाले, तो आपको ये दुकान सुबह 6:30 बजे भी खुली नजर आ जाएगी, और बहुत अच्छी सेल है। और पहले बहुत सस्ती थी ना कचौड़ी, 10 रुपए की 5। हाँ, हम 10 की 5 खाते थे पहले, हम लोग जब स्कूल टाइम नहीं है, उसके बाद भी ना, अच्छा 4-5 साल पहले भी हम लोग आते थे तो 10 रुपए की 5 थी, और अब रेट बड़ा बड़ा बड़ा, पहले 15, 20 और 22, बट स्टिल महंगाई के हिसाब से 22 रुपए की 5 कचौड़ी नॉट बैड, क्योंकि टेस्ट अच्छा हो ना तो वर्थ है इसकी, है ना। तो अब मैं खा लेती हूँ। तो वैसे तो अभी हमें कमला नगर मार्केट जाना था, बट ऑफिस में कोई आ गया है और अर्जेंट मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा है। और वैसे तो कह रही थी तो गाजर का हलवा खा के कचौड़ी कैसे खा ली तूने, पहले कह रही मैं 2 कचौड़ी खाऊंगी और मेरी डाइटिंग नहीं होनी, मतलब ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ, ये सही है कि मैं थोड़ा कम खाना शुरू कर दिया, जहाँ पहले मैं 2 रोटियां खाती थी वहाँ अब 1 खाती हूँ,
पर पांच कचौड़ी की जगह दो खानी थी, चार खाली है। तो कचौड़ी देख के कंट्रोल नहीं होता ना यार, मेरे को पांच मिली थी 22 रुपए में, मैंने फिर भी एक कचौड़ी राखी को खिला दी अपने में से, तो और क्या कम्प्रोमाइज कराएगी, एक कचौड़ी दी ना मैंने, चार कचौड़ी खा ली। मेरी कोई राइटिंग नहीं है। तो चलो अब मैं ऑफिस जा रही हूँ और आज का व्लॉग यही फिनिश करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज यार इतना तो फॉलो कर दो कि कुछ आने लग जाए, चिल्लर से कुछ नोट तो आ जाए हमारे पास। चल जल्दी आएंगे, बाय।